अघनी, पूसी और माघी, कौन सी गोभी कब लगाई जाती है, इसके लिए एक शानदार वीडियो आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ राजा और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, गोभी तीन प्रकार की होती हैं, अघनी, पूसी और माघी। तो इनको अलग अलग महीने में लगाया जाता है। गोभी लगभग 60 दिनों की फसल होती है, जिसमें अक्टूबर जो कि चल रहा है अक्टूबर, इसमें अघनी लगाई जाती है। ये लिखा हुआ है अघनी, अघनी हर पैकेट के पीछे लिखा होता है कि ये कौन सी वैरायटी है, कब लगाने वाली वैरायटी है, लेकिन किसानों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं होती है और YouTube में भी ऐसी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ऐसा वीडियो आप लोगों के लेके आया हूँ। तो अक्टूबर में लगाई जाती है अघनी और उसके बाद लगाया जाता है पूसी। पूसी लगाई जाएगी 15 नवम्बर के बाद 15 दिसंबर तक, और फिर 15 दिसंबर के बाद लगाई जाती है माघी। ये अलग अलग सीजन के लिए ये गोभी होती हैं। किसानों को अघनी, पूसी, माघी की जानकारी ना होने के कारण इसको कभी भी लगा देते हैं और किसान इसकी फसल टाइम पे नहीं ले पाते हैं दोस्तों। तो जब भी गोभी का बीज लेने जाएं तो समय अनुसार उसका बीज लें। अक्टूबर में लें तो अघनी लें, और उसके बाद लें तो पूसी लें, और फिर दिसंबर जनवरी में लें तो माघी का बीज लें। और दोस्तों, और भी कई प्रकार की गोभियाँ होती हैं। फूल गोभी होती है, और ये एक अलग टाइप की गोभी गांठ गोभी होती है, इसको बहुत कम लोगों ने ही देखा होगा पहले। ये होती है गांठ गोभी, बहुत ही स्वादिष्ट गोभी होती है और किसान भी इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी गोभी बहुत कम अवेलेबल रहती है। अगर इसकी खेती करते हैं आप तो बहुत जल्दी अपना मटेरियल सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड रहती है और मार्केट में ये कम अवेलेबल रहता है। और भी गोभियाँ हैं, ये है ग्रीन इंडिया की गोभियाँ हैं ये। और कोई सी भी गोभी लें तो सबसे पहले उसमें देखें कि कब आप ले रहे हैं, किस महीने में आप ले रहे हैं, उस हिसाब से बीज लें। तो अक्टूबर चल रहा है तो अभी लगेगी अघनी गोभी। तो दोस्तों, जल्दी से अपने नज़दीकी बीज भंडार में जाएं और अघनी गोभी लेके आएं और लगाएं। बहुत ही अच्छा मौका है, अभी सब्जियों का सीजन चालू हुआ है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और बीच बीच में गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि सामने ही रोड है, मैं शॉप पे हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाएं, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह की वीडियो आपको हम इस चैनल में लेके आते रहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिव्यू लेके आते रहते हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां जो आपको कभी किसी चैनल में या गूगल में नहीं मिलेंगी, वैसी यूनिक जानकारियां आपको इस चैनल में मिलेंगी। तो आप हमारे और भी वीडियोस देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।